गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे। डायरेक्टिंग चैप्टर हम कर रहे हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग के बारे में आपने उसका कॉन्सेप्ट में पता चल गया, उसके स्टेप्स पता चल गए। नाउ व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग मतलब ऑर्डर्स इशू, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, लीड करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना वर्कर्स के बिहेवियर को सो एज टू गेट द वर्क डन। सो बेसिकली देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, फर्स्ट बीइंग सुपरविजन, देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन इज नॉट नाउ इन योर सिलेबस, सो वी विल बी डिस्कसिंग द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच इज लीडरशिप। ठीक है, सो बेटे एज यू नो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, यही है ना मैनेजमेंट, इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। सो विच मीन्स द मैनेजर्स दे आर इन दिस पोजिशन दैट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोजिशन दे कैन इशू ऑर्डर्स टू देयर सुबॉर्डिनेट्स, दे कैन कमांड देयर सुबॉर्डिनेट्स टू गेट वर्क डन। बट देन इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर that subordinates put in their maximum efforts, है ना, subordinates अपने maximum efforts put in करें in performing their task. So managers have to regulate, they have to influence the subordinates work, ठीक है, behavior and conduct at work. मैनेजर को अपने सुबॉर्डिनेट्स का बिहेवियर, उनका कंडक्ट इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा एट वर्क, इजंट इट, मतलब दे आर इन एट देयर पोजीशन, दे कैन कमांड, दे कैन इश्यू ऑर्डर्स, बट दे हैव टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि हर सुबॉर्डिनेट अपना काम अच्छे से कर रहा है, जस्ट बाई इशूइंग ऑर्डर्स, है ना, हमें मैम ने बुलाया, आप सिलेबस कंप्लीट कराओ 19 फेब तक, दैट्स इट, फुल स्टॉप। बट शी हैज टू सी वेदर द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, आर द टीचर्स पुटिंग देयर बेस्ट और नॉट, यस। सो इन अ वे लीडर हैज टू इन्फ्लुएंस, है ना, द कंडक्ट द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, सो दैट एवरी वन ऑफ देम गिव देयर बेस्ट शॉट, ठीक है। So it is through leadership role of the manager that the employees may be induced to perform their duties properly and also maintain harmony in their group activities. Manager ka ye leadership role hai jo ki ye ensure karta hai ki sab uske jo employees hain, followers hain, theek hai, wo apna kaam बेस्ट वे में करें और हार्मनी जो है ग्रुप एक्टिविटीज में बनी रहे, ठीक है। सो वैसे भी बेटे जब भी हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, से लेट अस प्ले अ गेम, आई गिव यू वन नेम, ठीक है, यू गिव मी अनदर नेम इफ यू रिलेटेड टू दैट, टाटा, टाटा कंपनी रिलेटेड टू दैट, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूं उसके तुम लोग वो होमोफिन्स बना दो उसके, हाँ एक पर्सन रिलेट करो, रतन टाटा, विप्रो, अजीम प्रेम जी, यस, देन नायका, शुगर कॉस्मेटिक्स, आप देखते हो बिजनेस शार्क के नहीं, शादी डॉट कॉम, ठीक है, मतलब जब भी मैंने आपको एक बड़े फर्म का नाम लिया, आपने उसके लीडर का नाम लिया, है ना। सो इट इज ओनली दी, मतलब ये बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट देयर लीडर्स। हमें लगता है कि आज ये पोजीशन जो है, जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं या ये फर्म खड़ी है या हमारा स्कूल भी खड़ा है,
अगर मैं आपको एक नाम बोलूं बोलने के लिए अपने स्कूल से रिलेटेड, आई वुड से मैक्सिमम ऑफ यू वुड टेक द नेम ऑफ योर एक्स प्रिंसिपल मैम, एचबी कौर। मतलब वन पर्सन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इजंट इट? तो हमें पता है कि कोई भी जो फर्म है वो बिना लीडर के सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, ठीक है? सो कोई भी फर्म के लिए वो अपनी एक पोजीशन को, इतने बड़े सक्सेस को अचीव करना इम्पॉसिबल है विदाउट द ग्रेट लीडर्स। सो विच मींस द लीडर्स दे ऑलवेज प्ले अ की रोल फॉर द सक्सेस एंड द एक्सीलेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हेंस वी आर स्टडिंग दिस, इन दिस वी विल बी स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, फीचर्स ऑफ लीडरशिप, then importance of leadership, then the various you know leadership styles। kal ko aapne lead karna hai kisi bhi aap field mein karte ho bete, leadership is inherent, it is must। aap bolo ki main to is choti si post pe hu, kisi bhi post pe ho aap, ho agar aapne leadership qualities hain tabhi aap promotion attain karoge, theek hai na? so leadership kya hoti hai, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फीचर्स क्या है और स्टाइल्स कौन कौन से हैं लीडरशिप के, ठीक है? सो वो अपना एक स्टाइल होता है लीडरशिप का, लेकिन जो आपका लीडरशिप का स्टाइल है वो हम, देयर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि मेरा स्टाइल कौन सा है एंड इज देयर एनी नीड टू ब्रिंग चेंज इन दैट कंसिडरिंग टूडेज इन्वायरमेंट और नॉट, ठीक है? सो वट इज लीडरशिप बेटे? बेसिकली लीडरशिप इज द प्रोसेस of influencing the behavior of the people। ये क्या process है? लोगों के behavior को influence करने का process है by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goal। अगर आप में अच्छी leadership qualities नहीं है, आपके यहाँ boss में नहीं है, boss ने आपको बुलाया, command दे दिया ये काम करना है, इतने टाइम तक करना है, कह के काम खत्म, दैट्स इट, ठीक है? दिस इज नॉट राइट टाइप ऑफ लीडरशिप। वेयर एज अगर आपको बुला के बताया गया कि भी देखो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, आपकी सैलरी वगैरह हमें यहीं से निकालनी है, ठीक है? और अगर अच्छा गया, हमें बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो सबकी प्रमोशन होगी, सबकी पे राइज होगी, सो यू गिव योर बेस्ट, है ना? मुझे मालूम है ये बड़ा इम्पॉसिबल सा है आपके लिए, हो सकता है आपकी फैमिली के लिए टाइम कम बचे, है ना, आपको ओवर टाइम भी करना पड़े, बट आई यू नो अश्योर यू कि अगर आप काम अच्छा करोगे ना तो आपकी प्रमोशन पक्की है, किसी भी तरह से उसका इन्फ्लुएंस किया उसके बिहेवियर को। सो वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, ये एक तरह से, वैसे मैंने जो एग्जाम्पल दी मोटिवेशन भी आ गई उसमें, बट लीडरशिप इज समथिंग एल्स, लाइक है ना, उसको ऐसे लीड करना, इस तरह से बुला के मीटिंग्स कंडक्ट करना, ठीक है, और उसको ताकि वो वॉलंटरली अपने गोल की तरफ जाए। हाँ, कन्विंस भी करना और लीड भी करना, लीड का मतलब लीडरशिप और मोटिवेशन में फर्क है, आपको केस स्टडी भी आएगी तो उसमें भी बहुत माइनर सा आपको कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि ये मोटिवेशन है या लीडरशिप है, ठीक है? तो मोटिव, ये जो मैंने दी एग्जांपल बेसिकली ये मोटिवेशन की बनती है। तो लीडरशिप में मतलब इन्फ्लुएंस करना कि आप बार बार उनको आगे सपोर्ट करो, अच्छा कैसा चल रहा है, ठीक है मैम, प्रिंसिपल मैम आए, अच्छा ठीक चल रही है, बुला बुला के पूछा, ओके फाइन एवरीथिंग, डू यू नीड सम अदर टाइम, है ना, आपको हमारी तरफ से क्या, कुछ भी, मतलब लीड करना, लीडर लीडरशिप में लीड करना मतलब आप खुद लगोगे तो ही आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे, दिस इज लीडरशिप बेसिकली, कि खुद चलना आगे और बाकियों को पीछे चलाना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोअर्स। ये लोगों की एबिलिटी को शो करता है कि कैसे लोग जो हैं अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं एंड मोटिवेट कर सकते हैं उनको कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है? सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लीडरशिप। नंबर वन,
लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. ठीक है, हियर इन्फ्लुएंस इज द की वर्ड. जहां पर वर्ड इन्फ्लुएंस आ गया वो लीडरशिप है. ठीक, सो इट्स इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स. देन लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स. दैट्स हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस देम. ना सपोजिंग एक नई हमारे टीचर ने ज्वाइन किया है, शी इज लाइक काइंड ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करती है तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है, शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी फ्री, गेट सैलरी, गो बैक होम, शी हैज नथिंग टू डू विद किड्स ग्रोथ एंड ऑल दैट. तो धीरे धीरे उसको अपने एक कल्चर में इन्फ्लुएंस करना, धीरे धीरे उसको कुछ ऐसे काम देना, है ना, वो एकदम से ओवरबर्डन करोगे या डांट दोगे, शी वॉन्ट बी एबल टू, शी विल लीव. इफ यू थिंक शी इज गुड, शी हैज द पोटेंशियल, बट शी नीड्स, हर बिहेवियर नीड्स टू बी लिटिल बिट चेंज्ड. उसका एटीट्यूड में चेंज लाना थोड़ा सा जरूरी है. वो किसी और जगह से आई है, वहां पर अलग कल्चर था, हमारा यहाँ पे अलग कल्चर है. सो धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे काम देना जिससे उसको हमारे कल्चर के बारे में पता चल जाए और उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए. ठीक है, सो ए लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ अदर्स. देन लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके होंगे तभी लीडरशिप, वो अच्छा लीडर वही है जो इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन करके रखता है. अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस है ही नहीं है तो आप मेरे को बताओ इन्फ्लुएंस कैसे कर पाओगे? कर पाओगे जब आप किसी के साथ रिलेशंस ही नहीं मेंटेन कर रहे हो, हाउ वुड यू बी एबल टू इन्फ्लुएंस देम? इट्स इम्पॉसिबल टू इन्फ्लुएंस देम. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट, लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्यों हमें इन्फ्लुएंस करना पड़ता है दूसरों के बिहेवियर को, या लीडरशिप लीड क्यों करना पड़ता है? सो एज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक बार ही लीड कर दिया, चलो अब लीडर कह दे, मैम ने हमें बोल दिया सिलेबस खत्म कर लेना, चलो जी फिर मैम उसके बाद बैठ जाएंगे. नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, लीडरशिप में ऐसा नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, कमांड दे दिया एंड देन योर जॉब इज ओवर. इट इज अ continuous process. Okay, an individual leader, individual possessing the attributes of a leadership is known as a leader. जो leader word है वो भी leadership से emerge हो रही है, तो जिसमें leadership की qualities हैं उसको हम leader कह देते हैं. So next is importance of leadership. So number one point in this, leadership influences the behavior of the people and make them positively contribute their energies for the benefit of organization. ठीक है, अब employees हैं, हर एक में potential है. अब वो interview clear करके आया, उसमें potential है तो ही वो वहां बैठा है. लेकिन वो potential उसका, वो energy जो है, वो जब तक ऑर्गेनाइजेशन के काम में नहीं आई तो हमें क्या फायदा उसको सैलरी देने का. हमने कहा अच्छा ये एमबीए करके आया, आईएमए से करके आया है, उसको आपने 24 लाख का पैकेज दे दिया, ठीक है, लेकिन जो उसकी एनर्जीज हैं उसको आप टैप नहीं कर पाए फॉर द वेलफेयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज लैकिंग हियर इज लीडरशिप. उसका जो ग्रुप लीडर है या जो उसका मैनेजर है वो उसकी एनर्जीज को अगर टैप नहीं कर पाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए तो वो अच्छा लीडर नहीं है. सो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ देयर एम्प्लॉइज एंड मेक देम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो द गुड लीडर्स ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स थ्रू देयर फॉलोअर्स. अगर सेम ग्रुप ऑफ पीपल का हम लीडर चेंज कर दें, 6 महीने एक लीडर रखें और 6 महीने दूसरा लीडर रखें, सो वी कैन सी द चेंज इन देयर रिजल्ट्स. जो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है वो ज्यादा बेटर लीडर प्रूव होगा, है ना. सो जो अच्छे लीडर्स हैं वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट थ्रू देयर फॉलोअर्स.
हाउ आर दे, काम वो नहीं कर रहे, वो काम करवा रहे हैं, है ना। तो उनका काम करवाने का ढंग, काम करने का नहीं, काम करवाने का ढंग अच्छा होना चाहिए। देन अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस एंड हेल्प फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। बेटे वो लीडर अच्छा नहीं है जो थ्रू हिज फॉलोअर्स सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सोचता है। देखो फॉलोअर्स भी फैमिली मैन है, या उनके भी अपनी पर्सनल भी विशेज हैं, तो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो उस केस में अगर लीडर अच्छा है तो वह फॉलोअर्स की नीड्स को फुलफिल करने में उनकी हेल्प करता है। यू जस्ट कांट बी इनकंसिडरेट टू योर फॉलोअर्स एंड स्टिल बी अ गुड लीडर। इज इट पॉसिबल? आप अपने फॉलोअर्स को बोलो, आपका फॉलोअर्स कह रहे हैं, जो टीममेट्स हैं वो कह रहे हैं हमें ना इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये चीज चाहिए, हमें आधे घंटे की ब्रेक चाहिए होती है, हम तो ये कर पाएंगे, या हमें यहाँ पे एसी लगवा दो हम तो कर पाएंगे, एनीथिंग, है ना, अच्छा पानी या खाना खिला दो, देन वी विल बी एबल। यू से दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, तुम सिर्फ अपना, मेरे को बस ये टारगेट अचीव होना चाहिए मेरे को, नहीं तुम कैसे मर्जी करो। नो, लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और उनकी नीड्स को फुलफिल करता है, उनको मच नीडेड कॉन्फिडेंस देता है, सपोर्ट देता है, एनकरेज करता है, एंड देयर बाय क्रिएट्स अ कंजीनियल वर्क एनवायरमेंट। देखो ना, दो तरह की सिचुएशंस यहाँ पे फिर हम कंपेयर करते हैं, ए फर्म बी फर्म। आप ए फर्म में काम करते थे, यहाँ पे लीडर जो है आपको कमांड करता होता था, आपका बॉस, ठीक है, आपकी नीड्स के बारे में कुछ नहीं सुनता होता था, आपको कभी उसने सपोर्ट नहीं दिया, हमेशा डिस्करेज करने की कोशिश थी, तेरे से तो नहीं होगा ये, तो एक कंजीनियल एनवायरमेंट आपको फील नहीं होता था। यू लेफ्ट द जॉब एंड यू कम टू बी, हियर द एनवायरमेंट इज वेरी कंजीनियल, टाइम टू टाइम आपका जो ग्रुप लीडर है आपको आके मोटिवेट करता है, वेरी गुड, गुड जॉब डन, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट इन द दिस स्पैन ऑफ टाइम, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मीट योर टारगेट, तेरी तो प्रमोशन पक्की है। तो एक कंजीनियल एनवायरमेंट आ जाएगा और आपको जो जरूरतें हैं वो भी वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की, कि लीडरशिप से कंजीनियल एनवायरमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उनकी नीड्स फुलफिल होती है। देन लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ही पर्सुएड्स, क्लैरिफाइज एंड इंस्पायर्स पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस wholeheartedly. So bete change, if there is, meri best quotation hai ki if there is anything constant in the world that is change. Agar koi ek cheez constant hai na hamari life mein, wo change hai, change ne aana hi aana hai constantly, hai na. Ab dusri baat ye bhi hai, hum human beings, employees, we always resist to change, no? हम एक कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, कुकून में अपने बैठे होते हैं, चेंज आता है तो हमें लगता है अच्छा हमें इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, नो? कंफर्ट जोन भी ऐसा नहीं है कि हम आराम से रजाई में बैठे हुए हैं, मतलब जो काम हम कर रहे हैं ना हम उसके आदि हो गए, अब नया काम सीखना जब पड़ता है तो उसको हमें लगता है कि हमें डिसकंफर्ट होगा। सो इम्प्लॉइज बेसिकली रिजिस्ट टू चेंज। अब अगर अच्छा लीडर है, या लीडरशिप से क्या होता है, लीडरशिप से चेंजेस, लीडर इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, मच रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को चेंज की जरूरत है, सपोजिंग इंप्लॉइज ने आके बोल दिया सर नहीं ऐसे मत करना, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो हमारे साथ कभी ऐसा किया नहीं, आप मत करना। नो, इट्स नॉट दैट ही इज देयर टू फेवर इंप्लॉइज, इवन दो ही इज मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशंस विद देम, but he is not there to oblige them. उसने organization का welfare देखना है, so he brings about the required changes. अच्छा leader वही है जो required, जो उसको लगता है कि change required है वो लेके आता है, और वो employees को persuade करता है, convince करता है कि वो इन changes को adapt कर लें, उनको inspire करता है, ठीक है।
मतलब जैसे कैसे आप इंस्पायर करोगे, यू आर हैविंग सो मेनी डाउट्स मैम कैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम कैसे पढ़ेंगे, सो इफ आई कन्विंस यू बेटे इसमें वैसे ही आप अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, आप थोड़ा सा अपना टेबल चेयर पे बैठोगे, आप मतलब कन्विंस करता है कि चेंज जो है वो आप उसको अडेप्ट कर लोगे दो तीन दिन करके तो देखो, तो वो दो तीन दिन करके वो खींच लेता है, तब तक वो लोग उसके यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके देन अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम दी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो नेचुरली बेटे जहां पे ग्रुप एक्टिविटीज होती है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही आते हैं। अब छोटे बच्चे हैं वो लड़ाई करते हैं वो टीचर के पास जाते हैं, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करे, है ना। तो जो अच्छा लीडर है वो अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को काफी इफेक्टिवली हैंडल करता है और इनसे जो एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे वो उनको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। वो अब ऐसा भी नहीं है कि वो लीडर कहता है कि अच्छा आपकी आपस में झगड़ा है आपस में लड़ते रहो मेरे पास नहीं आना या चुप करके काम करते जाओ। ही अलाउज हिज फॉलोअर्स टू वेंट आउट देयर फीलिंग्स। बेटे जब तक गुस्सा अंदर रहेगा ना या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जब तक वो अंदर रहेगी वो बढ़ेगी। वंस यू टेक इट आउट योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप जेन्युइन भी हो, आपकी फीलिंग्स वेंट आउट। हर एक को एक आउटलेट चाहिए होता है ना, तो वो एक आउटलेट वो प्रोवाइड करता है कि तू मेरे साथ आके शेयर कर, बताओ तेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है उनको वो सॉल्व करवाता है। देन लीडरशिप प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द सबॉर्डिनेट्स। अब अच्छा लीडर बेटे अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन भी करता है। अगर सपोज करो मैं ऐसी पोजीशन पे हूं कि मैंने 2 सालों में रिटायर हो जाना है और मैं ऐसा सोचूं कि मैंने तो अपने किसी इम्प्लॉई को सबॉर्डिनेट को कोई काम सिखा के ही नहीं जाना, जब मैं जाऊंगी ना अपने आप मेरे को याद करेंगे, देखा ये कितनी अच्छी लीडर थी, इसके इसकी कोई सीट नहीं फुलफिल कर पा रहा। नो, अ गुड लीडर ऑलवेज ट्रेन्स हिज सबॉर्डिनेट्स एंड ऑलवेज बिल्ड्स अप हिज सक्सेसर। कितना अच्छा रोल है देखो लीडर का, अपना सक्सेसर तैयार करके जाता है कि उसको पता है कि कल को मेरे जाने के बाद मेरी पोस्ट पे किसी ने बैठना है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन सफर ना करे मेरी एब्सेंस में, ठीक है। जो जो मेरे को मैंने सीखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस से वो मैं अपने सक्सेसर को सिखा के जाऊं, राइट। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फीचर्स ही है, आपने देखा होगा सारे पॉइंट्स फीचर्स वाले कॉमन है। ओके, सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। गुड लीडर की क्वालिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फीचर्स, ठीक है, दो वी कांट हेल्प इट लाइक हाइट वेट हेल्थ अपीयरेंस फिजिकल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अच्छे फिजिकल फीचर्स हैं अगर आपके तो इट अट्रैक्ट पीपल। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन यू हैव टू बी टॉल और यू नो हैव टू बी फेयर, नहीं। अच्छे आप अपने आप को कैरी अच्छे से करो, योर पर्सनैलिटी यू शुड कैरी योर सेल्फ वेल। अब सारी चीजें अगर लेट अस से एक पर्सन है फैट है डार्क कम्प्लेक्शन है शॉर्ट हाइटेड है लेकिन अगर वो बोलता बहुत अच्छा है उसकी सारी कमियां छुप जाएंगी, कोई कमी नहीं होती फिजिकल। बट वैसे जनरली अगर आप लीडरशिप की हम क्वालिटीज में देखें तो एक टॉल पर्सन खड़ा है हमारे आगे, ठीक है, वेल ड्रेस्ड है, तो ऑफ कोर्स वो हमें लगेगा कि ये लाइक ही इज समथिंग, है ना। तो फिर वो फीचर्स मैटर तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक ठप्पा लगा देंगे कि हाँ ये वाले फिजिकल फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे लीडर के लिए, ठीक। सो हेल्थ एंड एंड्योरेंस हेल्प अ लीडर टू वर्क हार्ड। अच्छी हेल्थ एंड एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मींस टॉलरेंस, यानी कि गर्मी लगी तो हो बहुत ज्यादा गर्मी मेरे से तो काम नहीं हो रहा, सर्दी है तो हो इतनी ठंड है मैं तो काम ही नहीं कर सकता ऐसे, नो एंड्योरेंस, ठीक है। सो इट मोटिवेट्स द वर्कर टू वर्क हार्ड एंड इंस्पायर्स अदर टू वर्क विद द सेम टेम्पो। लीडर बैठ जाएगा अपने रूम में जाके एसी चला के तो
तो वर्कर को क्या इंस्पायर करेगा? अगर वो भी गर्मी में आपके साथ साथ आपको देख रहा है, आपके साथ खड़ा है, काम कर रहा है सेम एटमोस्फेयर में, यू विल बी ऑल्सो मोटिवेटेड, नो? आपका लीडर, आपका बॉस आपके साथ 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर खड़ा है, ठीक साइट पे आप गए हो, वो आपके साथ ही रहा 9 to 5, यू विल बी मोटिवेटेड? तो ये कौन सा एसी में बैठा है जो मेरे को एसी का केबिन चाहिए? ठीक, सो हेल्थ एंड एंड्योरेंस, ठीक, देन नॉलेज, अच्छे लीडर के लिए अच्छी नॉलेज होना, कॉम्पिटेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो अगर आपको नॉलेज है ओनली देन यू कैन इंस्ट्रक्ट योर सुबॉर्डिनेट्स करेक्टली एंड इन्फ्लुएंस देम. देन इंटेग्रिटी, अ लीडर शुड पोजेस हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी. आप में इंटेग्रिटी समझते हो ना? इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यू शुड बी मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, आप में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. रोल मॉडल, यू शुड प्रूव टू बी अ रोल मॉडल टू अदर्स रिगार्डिंग द एथिक्स एंड वैल्यूज. तो अगर आप रोल मॉडल नहीं बनते हो, आप में कमियां हैं, तो आपके फॉलोअर्स हमेशा आपको यही ताना मारेंगे, आप भी तो ऐसे करते हो, ठीक है ना? सो इनिशिएटिव, अ लीडर शुड हैव अ करेज एंड इनिशिएटिव. करेज होनी चाहिए और इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए. जिस पर्सन में ये नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता, ठीक है ना? सो ही शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम हिज वे, रादर ही शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज एंड यूज इट टू हिज एडवांटेज. ऐसे नहीं कि बैठे रहो, अच्छा देखते हैं कब अपॉर्चुनिटी आएगी फिर पकड़ेंगे उसको. नहीं, अपॉर्चुनिटी ने आना नहीं है, आपको खुद सीज करनी पड़ेगी. कम्युनिकेशन स्किल्स, अ गुड लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर. ही शुड हैव द कैपेसिटी टू क्लियरली एक्सप्लेन हिज आइडियाज एंड मेक द पीपल अंडरस्टैंड हिज आइडियाज. कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम पे खासकर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको अपना आइडिया एक्सप्लेन करना आना चाहिए और लोगों को अपना आइडिया समझाने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए. आप ना सिर्फ एक अच्छे स्पीकर होने चाहिए, यू शुड बी अ गुड लिसनर, है ना? एक अच्छा लिसनर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. यू शुड बी अ गुड टीचर, काउंसलर एंड ए पर्सुएडर, ठीक. देन मोटिवेशन स्किल्स, ही शुड बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर. ही शुड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल and motivate them through satisfying their needs. Unko motivate karna padega. Self-confidence, a leader should have a high level of self-confidence. He should not lose his confidence even in the most difficult times. In fact, if the leader lacks self-confidence, he cannot provide confidence to his followers. Aapne confidence nahi, acha aise karte hai, pehle meeting bulai, decide ki acha aise kar lete hain. फिर लगा नहीं ऐसे नहीं, फिर दोबारा से मीटिंग बुलाई, मैंने अब सोचा है वो वाला आइडिया ठीक नहीं है, प्लान बी पे स्विच करते हैं. आप लोग मान के चलो ठीक है, प्लान बी पे मान कर लेते हैं. फिर थोड़े दिन बाद लगा नहीं 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 ये भी नहीं काम ठीक से हो रहा, प्लान सी पे स्विच करते हैं. ये नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आप में, तो फिर आप अपने फॉलोअर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते. डिसिसिवनेस, लीडर शुड बी डिसाइसिव इन मैनेजिंग द वर्क. Once he is convinced about a fact, he should be firm and should not change the opinion frequently. So last example, जैसे मैंने दी, अपना opinion बार-बार change कर रहा है, यानी वो decisive नहीं है. Decisive कब नहीं होते? जब self-confidence की कमी होती है. Social skills, sociable होना चाहिए, friendly होना चाहिए अपने colleagues के साथ, followers के साथ. वो time नहीं है कि आप distance maintain करके रखो. जैसे टीचिंग में भी आजकल आप एक अलग, आप इधर बैठे और बच्चे इधर, आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हो बच्चों के साथ या उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बच्चे नहीं आपकी क्लास में, आप इनग्रोस नहीं कर पाते हो बच्चों को, ठीक है? इसी तरह से एक लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप होता है. गुड सोशल स्किल्स शुड बी देयर, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ